وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء किताब बरकत वाली है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि दानशमंद लोग इसकी आयतों में गौर फिक्र करें और नसीहत हासिल करेंद माला सईदन मोहम्मद सामायी नाजरिन करामक वरहमल व सामिह तो कर सूर्य नहलायत नंबर सतासठ आज के सबक का एक मौजू है और वो ये है कि क्या हम अपनी जिंदगी सोच समझ कर गुजार रहे हैं या बेसोचे समझे गुजार रहे हैं? इसके साथ ही सामने कराम आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुज्तर सबक की दोहराई होगी نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين और बेशक तुम्हारे लिए मवेशियों में भी मकाम गौर है हम उनके जिस्मों के अंदर की उस चीज से जो आतों के बाज मशमूलत और खून के अख्तिलात से वजूद में आती है खालिश दूध निकाल कर तुम्हें पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए फरहत बख्श होता है क्रम सूर्य नहल आयत नंबर सतासठ लफी तर्जुमा वाम और मेवो मेबों में से भी अन नखील खजूर व और अंगूर तत्तखिज़ून अमिन हो सकरन जिससे तुम बनाते हो नशे की चीज़ें वस्कन हसना और अच्छा रिस्क इन नफ़ी जाले का ल इसमें बेशक निशानी है लेम याकिलून जो अक्ल से काम लेते हैं सामान अल्लाह ताला की तोहद के सबूत बयान हो रहे हैं अल्लाह ताला अपनी बहतानीत के अपनी रुबूबियत के आ, जो नेमतें उसने इंसान के लिए पैदा की हैं और जिस तरीक़े से अल्लाह ताला इंसानों का ख्याल रखता है उसकी परवरिश कर रहा है और तमाम ज़रूरियात का उसकी कफ़ील है उसकी निशानियाँ बयान की जा रही हैं वमिन वमिनार नखील इसमें इससे पहले ल है निशानी है इसमें यानी अब देखें कैसी निशानी है कि खजूर और आ, अंगूर यानी ये तो अल्लाह ताला ने ही जाएर पैदा की हैं लेकिन इससे आप सकरन नशे की चीज़ें और रिस्क हसना अच्छा रिस्क यह आयत साविन मक्की सूरत है और मक्के में नाजिल हुई थी और शराब की बंदिश का हुक्म जो है वो मदीने में आया था तो लेकिन बस सिर्फ़ एक नुक़ँ नोट कर लें अभी शराब की आ, मत के अहकाम नहीं आए हैं तो इसलिए यहाँ यानी इशारा किया कि तुम उससे शकर अल्कोहल यानी शराब से ज़रा दर दर्जा कम है तो बहर तुम शराब बनाते हो लेकिन उसकी तारीफ़ नहीं की और उसके साथ रिस्क हसन की कैद लगा दी कि तुम अच्छा रिस्क यानी एक किस्म के यानी उसमें अल्लाह ताला तीन तारीफ़ नहीं की कि वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है व रस्कन हसन हाँ और उससे आप रस्क़ हसन जो है वो आप हासिल करते हो अंगूर को ख़ालस हालत में आप खाएँ खजूर को खाएँ तो कितने कस्म के अंगूर हैं खजूरें हैं तो ये सब अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं और निशानी क्या है इन नफीसा लकल आयतौी याक़िल अक़ल का इस्तेमाल यहाँ कैसे करें क्या क्या सोचें और सोचना तो यही है देखें आ, हमारा बड़ा मसला क्या है मुशरकी ने मक्का कहा और हमारा बड़ा मसला क्या था कि उन्होंने उन्होंने अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराए हुए थे, थे। बग़ैर किसी दलील के और हमने भी मखलूक से तो लगा रखी हैं मटीरियलिस्ट हैं हम परस्त हैं खुदा परस्त नहीं हैं अल्लाह की परस्तिश करने को कोई तैयार नहीं है अल्लाह ताला पर कामिल अतमाद भरोसा करने को कोई तैयार नहीं है अल्लाह को अपनी तरजीह वाहिद बनाने को कोई तैयार नहीं है अल्लाह ताला को अपना मकसूद वाहिद बनाने को कोई तैयार नहीं है और आखिरत को दुनिया के मुकाबले में तरजीह देने वाला नहीं है अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ तो हमने भी तो मबूद बना रखे हैं माबूद क्या है जो आपका मकसूद है वही आपका मबूद है ये बात जरा नोट कर लें यानी जिसको आप चाहते हैं वही आपका मबूद है अल्लाह को चाहते हैं तो वो मबूद उसके फिर सिवा कोई मबूद ना होगा अगर आपकी चाहत जो है वो हकीकी है सच्चा प्यार है सच्चा मकसूद है वो तो आप फिर किसी और तरफ़ देख भी देख ही नहीं सकते क्योंकि शैतान जो है आ, का ज़ोर जो है इन आइबादी लल्क़ा सुल्तान शैतान के अल्फाज़ कुरान में नक़ल हुए उसने मज़ूरी का इजहार किया था कि तेरे जो ख़ास बंदे हैं तेरे चाहने वाले हैं मेरा उस पर कोई ज़ोर नहीं चलेगा इन्नम सुल्तान हो आल लज़ीनः तवलवन वलैी हम भी अल्लाह अल्ला ने दूसरी जगह अरसाद फ़रमाया कि इन्नम सुल्तान हो बेशक उसका सुल्तान उसके उसका ज़ोर जो है उन लोगों पर चलता है यह तवल्लव जो उससे दोस्ती करते हैं वलिन हम भी मशरिकुँ और वो लोग जो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं उन लोगों के साथ उसकी दोस्ती पक्की हो जाती है ये ज़िमनी नुक़ः आरा है सामने क्राम इसको नोट कर लें कि शैतान किन लोगों का साथी बन जाता है अगर आप देखें हकीकत में तो हमारा साथी जो है वो शैतानी क़ुतें हैं शैतान है बातिल बातिल्वतें हैं और बातिल से हमने दोस्ती गांठ ली है अन्मा सुल्तान हूँ आलिन या तवल्लऊन इसका ज़ोर तो उन लोगों पर चलता है जो उससे दोस्ती करते हैं अब देखें हमने मासीबल्ला से गैरुल्ला से दोस्तियाँ बना रखी हैं मिसाल के तौर पे आप में हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने यानी ताकतवर तबके के साथ अपनी तो लगा रखी हैं और उससे दोस्तियाँ कायम रखी हैं कायम कर रखी है मिसाल के तौर पे आप जो इकतेदार में होता है तो लोग साहिब अकतदार लोगों से दोस्तियाँ गाँटने की कोशिश करते हैं तो फिर यह है कि वो अब ज़ाहिर है कि गैर अल्लाह पे उन्होंने भरोसा कर लिया अहतमाद वो कहते हैं ना चढ़ते सूरज की पूजा चढ़ते सूरज के पुजारी जो हैं वो तो बहुत से लोग होते हैं ओ, तो ये ये वो शर्क खफी है सामिकर जिसमें हम मुबिला हैं और वो कहते हैं कि इकबाल इक का है ना शेर कि बुतों से तुझको उम्मीदें और खुदा से ना उम्मीदी मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है यानी बुतों से तुमने गैरुल्ला बुत मतलब गैरुल्लह बुतों से तुमने उम्मीदें लगा रखी हैं और अल्लाह से ना उम्मीदी है तो काफिर ही इसके सिवा और है क्या यही तो काफिर ही है ना इनकार काफिर क्या है हक का इनकार बातिल का इकरार। हमने बातिल का इकरार किया हुआ है बातिल पर नजरें हैं बातिल पर परमाद है तोल है भरोसा है अल्लाह ताला पर न तोल है ना अतमाद है ना उसकी बातों को हम सच्चा समझते हैं ये एक बहुत दर्दनाक कहानी है सामने के जाहिर है वो जिस माहौल में पैदा हुए हमें वहाँ इतनी आ, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह ताला की बातों को हम अल अलान झूठा समझे या कह दें समझे नहीं कह दें आला अला अलान झूठा कह दें न कि तो सच्चा नहीं है मिसाल के तौर पर ये इतनी हिम्मत हमारी नहीं है लेकिन देखें एक ज़बान ने एक ज़ाहरी ज़बान होती है एक अमल की ज़बान होती है हमारी आमल की ज़बान क्या है? हैमली तौर पे हम सब इस बात के अमली गवाह हैं कि अल्लाह ताला के वादे नवजुबिल्ल हमारा ये ख़्याल है कि अल्लाह के वादे झूठे हैं न जन्नत है न दोज़ख़ है दुनिया ही की तरफ़ देखो दुनिया ही की तरफ मुतव हो जाओ और दुनिया बढ़ाओ तकासुर और और बढ़ाओ और बढ़ाओ दुनिया बढ़ाते चले जाओ हो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए हो, हो। यहाँ तक कि तुम्हें अल्लाह ताली फरमाता है वबु तो रब का हत्याकल यकीन अल्लाह की बंदगी ऐसे करो आ, कि तुम्हें ये यानी मौत आने तक तुम अल्लाह की बंदगी करते रहो हम मौत आने तक दुनिया में अपना रुख दुनिया की तरफ करते किए रहते हैं और कमाते रहते हैं बहुत से लोग आप देखे होंगे मैं ये नहीं कह रहा कि कमाना जो है वो किसी हिस्से में बंद करना चाहिए अल्लाह ताला ने इंसान का रिस्क जो है वो असबाब में रख दिया है असबाब इस्तेमाल करने चाहिए मैं सिर्फ और नीयत की बात कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ़ दुनिया की नीयत कर ली है और अल्लाह ताल को भुला दिया है उसकी याद को भुला दिया है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है बहरहल अपने मज़मून की तरफ आते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर ये तुम्हारे लिए मैंने पैदा किए हैं इसमें तुम अपनी मर्जी से नशे की चीज़ें भी बनाते हो और अच्छा रिस्क भी तुम्हें इससे हासिल होता है लेकिन इसमें अब तुम निशानी तलाश करो निशानी क्या है कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें मेरे लिए पैदा की हैं ये कायनात अल्लाह ताला ने मेरे लिए बनाई है ये कायनात और इसमें जो कुछ है हमारी ख़िदमत के लिए अल्लाह ताला ने मुसखर कर दिया है ये अक़ल से काम लेने की चीज़ें हैं ये तो आपके गिरदोपेश की चीज़ें हैं वो पश्तों में एक आ, आ, मिसाल है और आ, मिसाल अच्छी है बहुत अच्छी है कि वो कहते हैं कि खुदा चाली दिले दे दे खुबुदरतु नहीं पी जंग माना इसका यह है कि अल्लाह ताला को किसी ने देखा नहीं है लेकिन उसकी क़ुदरत से उसकी पहचान होती है अब ये अल्लाह ताला अपनी क़ुदरत बयान फरमा रहा है अपनी रुबूबियत और इन मजामीन में क्या है अल्लाह ताला की देखें तीन बुनियादी बातें रबूबियत है, है अल्लाह ताली की और सबसे पहले नंबर पे अल्लाह ताला अपनी आ, तुम इसको देखो कि यानी सोचो कि तुम्हारा क्या मन तुम्हारी मंजिल क्या है जो ज़ाहरी चीज़ें हैं इसकी तो मकासद पूरे हो रहे हैं सब्ज़ी सब्जियां अल्लाह ने बेशुमार हमारे लिए पैदा किए हैं वो हम खा पी के बस ख़त्म हो जाती है फल पैदा किए हैं खा पी के ख़त्म मवेशी पैदा किए हैं उनसे हम काम ले कर खा पी के, के फारग हो जाते हैं वो चीज़ें बस फारग हो रही हैं लेकिन इंसान की यानी हमारा जो वजूद है सामान्य कराम बुनियादी तौर पर देखें कि इसका कोई ख़ास बाज़ाहिर मकसद नहीं नज़र आ रहा अगर अल्लाह ताली की तरफ से हम हिदायत ना लें या उससे ना पूछें तो बाहिर कोई मकसद कोई फ़ायदा इंसान का नज़र नहीं आ रहा ये खाना पीना जिन अच्छी ज़िंदगी गुजारना ये तो कोई आ, मकसद है नहीं सामने निकला ना हो सकता है क्योंकि ये हासिल नहीं हो रहा आपको मरते वक्त ये सब कुछ आप न, से छूट जाता है वो किसी और का हो जाता है गैर का हो जाता है को मकान आपने छोड़ा है बंगले छोड़े हैं हज़ारों मील की ज़मीन आपने छोड़ दी है तो वो सब जो है वो फिर औरों के आपके नाम से उतार दिया जाता है गैर के नाम पे कर दिया जाता है अब जो भी है वो आपके बेटे हैं या बेटियां हैं या बीवी है या शोहर है जो भी है तो स्वामीनिक्रम ये सारी बातें हैं और इसका ज़रा सोचना चाहिए कि ये इंसान का कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा कोई एक जालिम है मिसाल के तौर पर समझने के लिए ालम है जुल्म कर रहा है उसके पास माल है दौलत है अहदा है वो गरीबों पर जुल्म कर रहा है और पराया माल जो है वो खा रहा है मिसाल के तौर पे, या सूद ले रहा है और लोगों को सूद पे पैसे दे रहा है और उससे सूद दर सूद ले रहा है मिसाल के तौर पे, और या एक नेकोकार है इंसान लोगों के साथ नेकियां कर रहा है भलाइयाँ कर रहा है लोगों के काम आ रहा है खैरा कर रहा है अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है पड़ोसियों का ख़्याल लगता है जवार का ख़्याल लगता है सखी है लेकिन ये दोनों का हम देखें तो वो यानी जो ज़ालिम है वो मज़े कर रहा है वो आला तरीन घर उसने बनाए हुए मिसाल के तौर पर अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा है दूसरा जो है अपने लिए इतने अच्छे घर नहीं बनाए उसने आम एक घर में रह रहे तो हम दोनों को देखते हैं कि जुल्म जालिम को जुल्म का नतीजा कोई यानी उसकी सज़ा नहीं मिल रही जो जुल्म कर रहा है और जो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है नए ज़िंदगी गुजार रहा है उसको कोई ख़ास अजर नहीं मिल रहा वो नेकियां कर रहा है करता चला जा रहा है करते चला जाना चाहिए इससे तो कोई वो अच्छी बात नहीं है लेकिन अल्लाह यानी इसमें मज़मून ये है कि आप देखें कि इंसान का कोई मकसद हयात हमें नज़र नहीं आ रहा तो फिर पूछना पड़ता है अल्लाह ताला से अल्लाह की तरफ रुजू क्योंकि वही खालिक है हमारा वही मालिक है और वही हमें बता सकता है कि भई क्या वजह है इंसान को पैदा करने की वो फिर हम जब अल्लाह ताला की तरफ़ रुजू करते हैं तो फिर हमें हकीीक़त का पता चलता है हमारी अपनी हकीकत हमें ये पता चलता है कि जो मैं यानी जो मैं नज़र आ रहा हूँ वो मेरी हकीकत नहीं है। जो बातिनी जो बातिन है मेरा वो हकीकत है यानी रूह फिर इसको ये पता चलता है कि ये इंसानी ज़िंदगी का यानी रूह जो है वो चली जाती है बदन जो है मिट्टी हो जाता है और फिर इसे ख़बर दी जाती है कि आ, मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी है फिर इसे ये ख़बर दी जाती है कि तुम्हारा तुम्हारी मंजिल जो है वो आखिरत की कामयाबी है दुनिया अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा की है तुम्हें आखिरत के लिए आखिरत की कामयाबी के लिए पैदा किया है फिर इसको ख़बर दी जाती है कि अल्लाह ताला तुम्हारा तुम्हारी मंजिल है यानी तुम्हारा मकसद हयात है तुमने अल्लाह को मकसूद बना के ज़िंदगी गुजारनी है और तुम्हें उसको ये भी बताया जाता है कि तुम ये ज़िंदगी जो है तुम्हें इसलिए ये ज़िंदगी दी गई है कि इसमें तुम खूब कोशिश करो मेहनत करो कोशिश करो और रूहानी क़वतें अपनी बढ़ाओ अल्लाह ताला पर ईमान ला के अल्लाह को मंजिल और मकसूद बना के राय मस्तीम में खूब कोशिश करो जो दीन अल्लाह ताला ने भिजवाया है ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा मुकम्मल उसी तरीक़े के मुताबिक अल्लाह ताली की ख्वाहिशात के मुताबिक तुम अल्लाह को मकसूद बना लो उसको महबूब बना लो मबूद बना लोबू मतलूब बना लो इसको यानी और इसमें खूब कोशिश करो फिर इसको यकीन दिया दिलाया जाता है कि तुम अगर नेक काम करोगे ईमान के साथ नेक अमल करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत है और फिर इसको ये भी बताया जाता है कि तुम एक बाकायदा डील बना लो अल्लाह ताला से अपना माल और जान अल्लाह ताला के हाथ पे बेच दो किसी रसूल के हाथ पे या नायब रसूल के हाथ पे और अपने आप को उनके हवाले कर दो रसूल के रास्ते पर चलो रसूल नहीं है रसूल के ज़माने में नहीं है तो नाइब रसूल को ढूँढो और उसको अपना रहनुमा बना लो अल्लाह के रास्ते में उसको अपना रहनुमा बना लो क्योंकि वो नायब रसूल है उसकी इतबा शुरू कर दो क्योंकि उसने रसूल की इतबा है तुम उसकी नकल वो रसूल की नकल कर रहा है तुम उसकी नकल शुरू कर दो तो और फिर उसके साथ खूब मिल के उसकी जानी माली खिदमत या उसके जो मिशन है उसमें उसकी भरपूर मदद करो ज़ाहिर है हर नायब ना, रसूल का मिशन वही मिशन होता है जो रसूल का आ, मिशन होता है क़मा अरसल नाफ़ी कुम कुमया कुम आयात नवय कुमिलकुम्किताबुलम तालीम किताब तुम किताब तस्किय नफूस और हिकमत की बातें ये चार ड्यूटियाँ वो भी कर रहा है और वो रसूल का एक नमूना तुम्हें आ, तुम्हारे सामने पेश कर रहा है तो उसकी इतबा शुरू कर दो बिला चूनो चरा उसका कहना मानो क्योंकि वो नायब रसूल है हाँ नायब रसूल के इंतबाब में ख़ूब तहक़ीक कर लो किसी झूठे को आ, असली समझ के आ, नकली को असल समझ के धोखा ना हो जाना तो उसमें असली इंसान को ढूंढो जो खलीफतल्ला है जो खलीफतुल रसूल है और उसके रास्ते पर चलना उसकी इतबा शुरू कर दो तुम्हें मंजिल मिल जाएगी ये सारी बातें इसको बताई जाती हैं तो फिर यह है कि इसकी मंजिल जो है फिर आसान हो जाती है और ये बामुराद हो जाता है ये ख़ुलासा है थोड़ा सा मैंने बयान किया है इसमें निशानियाँ हैं देखिए खजूर और अंगूर में अल्लाह ताला फरमा रहे निशानी है अब क्या निशानी है भाई वो हसन है या जो सकर है या रस्सन है इसके अलावा क्या निशानी है हाँ निशानी यह है कि तुम एक चीज़ को देखते ही उसका मालूम कर लो कि ये क्यों है किसके लिए है और जिसके लिए है वो किसके लिए है तो ये सारी अकल की बातें हैं और ये दो जमा दो मसावी चार वाला मामला साम है सामने कर आसान हिसाब किताब है भाई ये सारी न्यामतें हमें किसने दी हैं अक़ल से सोचें अल्लाह ने दी हैं जाहिर है उससे तो हम इनकार अकली तौर पे भी नहीं कर सकते सामने कदराम अल्लाह ताला के वजूद से अक़ल मानती है कि हाँ एक जत है पैदा करने वाली वाली और परवरिश करने वाली एक ज़ात है तो इसमें निशानियाँ हैं सामिन करम इन्ना फ़ीज़ाल आया यकी देखें इसका जो जुमला है इन्ना जो है वो ताक़द है बेशक फ़िजाल का इसमें लाआया में फिर एक और ताकिद है लाम इन नफ़ीसा ला आया इन नफ़ीसाले का आया यकीन इसमें निशानी है ले कौमी या किलून जो अक़ल से काम लेते हैं मज़मून सारा तोहैद का चला आ रहा है सामने क्राम और इंसान की आपको मैंने बताया कि इंसान की बड़ी कमज़ोरी जो है वो जाहिर परस्ती है ज़ाहरी ज़ाहिर की चकाचौंद इसकी आंखें खीरा कर देती है ज़ाहिर की तरफ देखने लगता है ज़ाहिर पे अंधा अहतम कर लेता है भरोसा कर लेता है और अल्लाह ताला से गाफिल होके ये अल्लाह ताला से दूर होता चला जाता है नहीं तुम अल्लाह ताला की क़ुदरतों को देखो उसकी न्यामतों को देखो उसकी कुदरत को देखो उसकी रबूबियत को देखो फिर इसको उसकी वाहदानियत को देखो तो तुम्हें अल्लाह ताला की वहदानियत उसकी रबूबियत उसकी क़ुदरत का सामने पता चल जाएगा और फिर तुम अपने आप को तलाश करो अपनी तलाश करो हक़ की तलाश करो सच की तलाश करो और सच का इतबा शुरू कर दो हम तो झूठ का इतबा कर रहे हैं, हैं सामने निकल झूठ का इतबा कर रहे हैं झूठ के पीछे चल रहे हैं और ये चीज़ जो है वो हमें तबाही के घड़ा जो दोजक है वहाँ तक ले जाएगी और सिर्फ आखिरत का नुकसान नहीं है साम्य क्रम इस दुनिया का भी नुकसान है ये बात नोट कर लें यानी हक़ से एराज इसमें हमारा दीन और दुनिया का नुकसान है साम्य करम दुनिया की जिंदगी साम्य क्रम एक, एक बात मैं आपको कह दूं छोटी सी वो ये है कि इंसान देखें खुशियों के पीछे दौड़ता है और वो समझता ये है कि दुनिया के ज़रिए मैं खुशियां हासिल कर लूँगा अच्छी लड़की से लड़के कहते हैं हम खूबसूरत हमें घर वाली मिल जाए तालीम याफ़्ता और ख़ूबसूरत देखें ये दो ही मायारात होते हैं आपके आला नसब और उस दिन मेरे पास एक आदमी आए तो उन्होंने कहा कि भाई बेटी का मेरा रिश्ता अयब है और वो लोग जो हैं वो फ़लाने फ़लाने वो हैं एक पेशे का नाम लिया और वो पेशा मिसाल के तौर पे कुम्हार मिसाल के तौर पे आज करूँ कुम्हार कि भाई वो वो तो कुम्हार हैं मैंने कहा बेटा क्या करता है वो तो आला तालीम याफ्ता है और बहुत अच्छा लड़का है मैंने कहा बाप क्या काम करता है वो तो कोई और कपड़े का काम वो यानी वो लेकिन पेशा वो हैं कुम्हार लोग हैं मैंने कहा भाई कुम्हार क्या बात है कुम्हार की क्या बात है कुम्हार तो क्या है वो यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला हाथ से उसको कुम्हार कहते हैं और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये अलका से हबीबुल्ला कसबगर जो है वो अल्लाह ताला का दोस्त है कुमार जो है अपने हाथों से मेहनत करता है मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो तो अल्लाह ताला का दोस्त हो गया इसमें पूछने वाली क्या बात है ये यानी ये, ये हमारे जहन में है कि भाई लड़की का हम रिश्ता कुमारों में क्यों दें या इस तरह चमारों में क्यों दें मिसाल के तौर पे तो ये गलत तस्वुर है बहरहाल मैं ये कह रहा था कि हमारी जो सोच है ना वो दुनियादाराना सोच है अल्लाह वाली सोच नहीं है तो बहरहाल ये सारी इसमें अल्लाह फरमाना है इन नफीजा आया इसमें निशानी है ले याकिलून जो अक्ल से काम लेते हैं अगर हम अक्ल से काम लेंगे ना सामने कर तो फिर यकीनन हक तक पहुंच जाएंगे ये मैं आपको बात बता दूं और इस ज़मन में मैं एक आयत का वो रेफरेंस जो अक्सर मैं आपको बताता हूं कि दो के किनारे जो दो सही खड़े हो खड़े हो के एक अफसोस करेंगे एक बात का अफसोस करेंगे वो ये कहेंगे कि लौकुन ना और नाकिलो काश हम किसी की बात सुन लेते किसी हक हक गो की बात सुन लेते और या अकल से काम लेते औ नाकिल या अकल से ही काम ले लेते तो माँ कुन्नाफी असहा आज हम दो जख वालों में से ना होते लेकिन यहां अगर आप बजाय आखिरत में अफसोस करें यहां अगर आप अकल से काम ले लें तो अपने आप को आप आग से बचा सकते हैं यानी आप अपने आप को जन्नत का अहल यहाँ बना सकते हैं हमारा तो ना ये दो पे यकीन है सादी सादी बात है ना जन्नत पे यकीन है ना दो जख् जबी जबी तो हमने जन्नतियों वाले आमाल छोड़ के दोजखियों वाला रास्ता अपना अपना लिया है दो जख् दो का रास्ता कौन सा है वो अल्लाह ताला को भुला के ज़िंदगी गुजारते हैं जिंदगी अल्लाह ताला को भुला के गुजारते हैं तो जिसने अल्लाह ताला की याद को भुला दिया तो फिर उसका ठिकाना जहन्नम के सिवा कुछ भी नहीं है सामने करम यह बात नोट कर लें बहरल मैं आ, आयत पढ़ता हूँ आप मेरे साथ दोहराइए बसमिल्ला ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون तर्जुम सुना दीजिए वमिन मिन नखील और मेवे खजूर वल आनाब और अंगूर के तद नमिन हो सकरन जिससे तुम नशे की चीज़ें बनाते हो वस्कन हसना और अच्छा रिस्क भी बनाते हो आ, आ, और वो तुम्हारे लिए अच्छा रिस्क भी है अच्छे रिस्क का बाइस भी है इन नफीज़ा लगल आयता बेशक इसमें निशानी है लेमी या जो अक्ल से काम लेते हैं कामिल कराम इन आयात की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं And from the fruits of date palms and grapevines you derive sugar and wholesome food. In this is a sign for people who understand. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा इन अगले दरस में मुलाकात होगी व आखिर दावाना अनिलहमदिल्लाबिलामी वालेकुम वबरकू